जी बेटा, यस्टरडे यू नो इट वेरी वेल कि हमने क्या किया था कि एक सर्कल मेरे पास हो गए कि एक सर्कल के अगर आउटसाइड मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटर है तो हम ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि इसके ऑपोजिट जो साइड्स हैं अगर वो सेंटर पे जो एंगल बनाती है ना तो ये बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, किया था है ना एक्सरसाइज में, क्वेश्चन भी हमने प्रूफ किया हुआ है। तो वहीं से अगर मुझे ये एंगल दिया है तो ये एंगल निकाल सकते। कई बार ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन होती तो मैं यहां से बेटा सीधा 180 करके ये एंगल निकालती है ना, ये वर्टिकली ऑपोजिट होता तो काम ही खत्म हो जाता। तो इसमें इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर ये ऐसे है मान लीजिए और ये ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसे थोड़ी सी टिल्ट हो जाए, तो ये स्ट्रेट होती तो बेटा ये सीधा जाती ना, नहीं है ना, तो उससे हम ये क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। अगर फिगर कोई प्रॉपर होती जिसमें स्ट्रेट होता तो वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड द लीनियर पे, बट यहाँ पर हम नहीं करेंगे। फिगर में ही पता चल रहा था ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, तो वर्टिकली ऑपोजिट से वो इक्वल नहीं हो रहा। ठीक है, ये गलती कभी नहीं करनी। ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है एग्जाम्पलर का मैं करवा रही हूँ, थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। ओके, व्हाट दैट क्वेश्चन इज, इन द फिगर 9.8 ए बी जो है मेरे पास, दैट इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। मेरे पास ए बी कॉर्ड है, मेरे पास ए बी, और मेरे पास हो गए ए ओ सी जो है डायमीटर इज गिवन सच दैट एंगल ए सी बी जो है दैट इज 50 डिग्री, एंड इफ मेरे पास जो है ए टी जो है दैट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट ए पॉइंट ए, देन फाइंड एंगल बी ए टी। आई नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल। हाँ जी, टर्न बाय टर्न ऐसे नहीं, चलो कार्तिक के बताएगा पहले। ओके, दिस इज 90, ये आ जाएगा 40। बिल्कुल, कि रेडियस एंड टेंजेंट जो है दैट इज परपेंडिकुलर, एक ये मेथड बिल्कुल करेक्ट। आपने तीन स्टेप्स किए, मैं एक स्टेप में भी निकाल सकती हूँ, बता सकती हूँ कोई कैसे? यस, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखो बेटा ये कॉर्ड है ना, ये टेंजेंट है। ओके, टेंजेंट एंड कॉर्ड मेरे पास जो है इनमें जो एंगल है, टेंजेंट एंड कॉर्ड इसमें जो एंगल है, ये कॉर्ड किसी और जगह पे जाके कहीं मीट कर रही है, तो ये एंगल उतना ही होगा जितना इन दोनों के बीच में एंगल है। ओके जी, 50 एंड 50 बोथ आर इक्वल। तो सीधा सिर्फ यही लिखना था, एंगल वन और इधर टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, बस यही बता। मतलब मैं क्यों बता रही हूँ, कई बार लगती हो अकेली ऑल्टरनेट सेगमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है। कल भी मैंने रिवाइज, और ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालने वाले बाहर से ही आते हैं, एनसीईआरटी से नहीं आता। मैं क्लियर कट बोलूं, न्यूमेरिकल एंगल निकालने के लिए जो क्वेश्चन है ना सर्कल का, वो एक्स्ट्रा ही आता है। मींस कोई स्टेटमेंट फिगर चेंज कर देते हैं, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, जस्ट थिंक ओवर इट कैसे निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी निकाल। ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्या कहता है, मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ द क्वेश्चंस जो मैं करवा रही हूँ। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट जो है पी विच इज एट ए डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल है रेडियस 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर ले लिया और सेंटर से एक पॉइंट पी है बेटा, एक पॉइंट पी है मेरे पास, और जो है 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर
वो हमारे से दूरी पे है। अब उसने क्या, अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर टू द सर्कल आर ड्रॉन। मेरे पास जो है पी क्यू, ये लीजिए, एंड पी आर, ये मैंने जो है सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए। फाइंड द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर, जो है उसने कहा पी क्यू ओ आर। अब ये कोऑर्डिनेटर का जो है क्या करें, एरिया फाइंड आउट करें, है ना? क्या सोचते हो, अब आपके माइंड में क्या क्या आया? पी क्यू पी आर इक्वल होगा, आप मुझे, अच्छा ये बताओ कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर है ये? इज इट एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर? नहीं ना, ना ये रेक्टेंगल ना ये स्क्वायर, मुझे पता ही नहीं है। बस एक चीज मुझे पता है सर्कल के चैप्टर में, कि ये जो साइड होती है ना, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो दैट मींस एरिया भी क्या होगा, इक्वल। ये बात पता चली कि नहीं? इसका मतलब अगर मैं किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, उसको क्या कर दूं, डबल कर दूं, मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आ जाएगा। क्योंकि मेरे को स्केयर पता होता तो मैं एरिया ऑफ स्केयर लगा देती, एरिया ऑफ पैरलोग्राम पता होता तो मैं लगा देती, रोम्बस का होता हाफ डी वन इंटू डी टू लगा देती, रेक्टेंगल का एल मल्टीप्लाई बी। मेरे पास कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर है ही नहीं है, तो मेरे माइंड में क्या आ रहा है? मैं ट्रायंगल का लगाऊं, वो तो पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो जरा, सबसे पहले ये 90, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एम आई राइट? ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी किसी तरीके से अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस, अब बेस कितना है मेरे पास 5, और हाइट कितनी होगी बेटा, दैट इज 12, निकल जाएगी ना पाइथागोरस थ्योरम से, ये 169 माइनस 125, 144, तो ये 12 सेंटीमीटर, हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज 12, और ये कितना आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे पूरे क्वाड्रिलेटर का लगाना है तो मैं क्या कर दूं, डबल, दैट इज 60। सबको बात समझ आई मेरी बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब ऐसे क्वेश्चंस तो कोई मुश्किल नहीं है, बट एक बार हाथ से निकले हो ना तो आइडिया जल्दी स्ट्राइक करता है एग्जाम में, है ना? एकदम अनसीन आपके पास आया, आपको नहीं पता चला था ना क्या करना है, थोड़ा सा हिंट मिला तो आप कर पाए, अदरवाइज कोई नई चीज तो हमने नहीं की यहाँ पर। सबको समझ आ गया, क्लियर? चले आगे, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा मेरे पास, प्लीज बेटा मन्नत, आवाज आ रही है मुझे? एनीथिंग एनी डाउट यू कैन डिस्कस इट विद मी। तभी कई बार हमें और भी कोई मेथड पता चल जाता है डिस्कशन से, है ना? तो डिस्कस ऑलवेज इन विद अ होल क्लास, आपस में गुफ्तगू मत किया करो। चलो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो क्या कह रहे हैं, इन द फिगर पी टी जो है मेरे पास, इट इज गिवन पी टी, सॉरी ए टी ले लेते हैं, ए टी जो है वो मेरे पास टेंजेंट टू द सर्कल है विद सेंटर ओ, सच दैट मेरे पास जो है ओ टी जो है 30 डिग्री मेरे पास है, और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर जो है मेरे पास ओ टी आया, तो एंगल मुझे दिया हुआ है ये 30 डिग्री। उन्होंने मुझे कहा है कि पी टी कैलकुलेट करो, ट्रिग्नोमेट्री पता चल गया ना, क्योंकि कल क्वेश्चन हमने किया था, कहीं पे भी एंगल दिया हो मुझे पता है रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस, आप खुद सोचो, ये बेस है, ये एच है, तो साइन कहां से लगाएं, कॉस लगेगा ना, क्योंकि मुझे ये दिया और मैंने ये निकालना है, थोड़ा सा सोच समझ के हमने बोलना, क्योंकि इसीलिए मैं लिख के बता रही हूं, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो मुझे पता है बी बाय एच बेटा कॉस 30 डिग्री, और बेस मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूज 4 है और कॉस 30। सेंटीमीटर, ओके। अगर यही मुझे कहते हैं कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या है
एटी, और हाइट रेडियस, वो भी क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेते हैं। किसी तरह भी क्वेश्चन मोल्ड होके आ सकते हैं। बात समझ आई बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? चलिए लेट अस फाइंड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, है ना, बी अटेंटिव इन द क्लास। आप ये क्वेश्चन ऐसे है जो लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझना, माइंड को दौड़ाना ही नहीं, ठीक है ना। आप एक बार अगर दौड़ाना शुरू कर दोगे तो आपको सर्कल का कोई क्वेश्चन एंगल फाइंड आउट करने वाला आ जाए तो यू आर एबल टू डू। बस कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट दे हैव मेंशनड हियर, उन्होंने फिगर दिया मुझे इस क्वेश्चन में, ये फिगर और पी आर, पी आर ये क्वेश्चन है, और ये पी क्यू है, और ये सेंटर पे दिया हुआ है ओ। नाउ आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट, दे जस्ट राइट इन द फिगर, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, पी क्यू इज द कॉर्ड, एंड पी आर जो है वो टेंजेंट एट पी मेक्स एन एंगल 50 डिग्री। ये मुझे 50 डिग्री दे दिया। नाउ व्हाट दे हैव राइट देन, एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल कितना, 50 होगा? गलत है बेटा। ऑल्टरनेट जो थ्योरम तुम कहते हो ना कि टेंजेंट और कॉर्ड वो जो एंगल बनाती है ना वो सर्कल के ऊपर बनना चाहिए, ये तो सेंटर पे है। यही बच्चे गलती करते हैं, क्या करेंगे तान्या? एक नो, ओके ओके 40, बिल्कुल। एक मेथड तो ये है, एक और मेथड, हाँ जी यस रणवीर, परमवीर यस बिल्कुल करेक्ट, मेरे माइंड में वही आया था क्योंकि मुझे अल्टरनेट थ्योरम बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन की ऐसे, ओके अब ये 50 डिग्री एंगल है तो यही कॉर्ड कहीं सर्कल पे एंगल बना रही है तो ये भी 50 डिग्री मेजर की है। दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस, तो ये कितना आ गया 100। जिस मर्जी मेथड से निकालो, देखो दो मेथड तो हमें ही पता चल गए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना, मतलब हर मेथड पता होना चाहिए क्योंकि कई बार कई क्वेश्चन में लगता ही एक पर्टिकुलर मेथड है, दूसरा लग ही नहीं पाता, तो हमें वो करना है। हाँ बस ये है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको लिखना है कि लेट अस ड्रॉ और ज्वाइन पॉइंट, इसको लेबल कर दो सी टू पी एंड क्यू, उसके बाद 1 2 3 लेके किया करो फिगर का एंगल जो है वो 1 2 3 लेके किया करो, फाइंड आउट करना इजी होता है, पी क्यू आर लिखना वो ढूंढना पड़ता है कौन सा एंगल। बात समझ आई बेटा? क्लियर? नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन द फिगर, मेरे पास जो है ये फिगर बनी हुई है पी ए पी बी, मेरे पास ओ जो है पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट, मेरे पास जो है ए पी बी दैट इज 50 डिग्री, एंड फिर रुको तो सही, हाँ जी उसके बाद उन्होंने कहा एंगल ओ जो है ए और पी बी निकालना है, मुझे ये कहा गया है तो मैं यहाँ ज्वाइन कर दूंगी। आई नीड टू कैलकुलेट दिस, ये तो कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, बिल्कुल आपको ये पता है कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर टाइप बनती है, सेंटर और ये एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट है वो क्वाड्रिलेटर होता है, और यहाँ पर हमें पता है ये 90 और ये भी 90, तो इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, किया हुआ है ना, है ना। आप प्रॉपरली मेंशन करोगे, सीधा नहीं ले लेना इन दोनों का सम 180 काम खत्म, नो आप पहले लिखोगे दिस कंप्लीट एंगल 190 बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिमिलरली दिस एंगल 2 ये लीजिए 1, ये एंगल 290, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटर से 50 प्लस दिस 180, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 130 डिग्री, ओके। अब
अब आ जाओ ये ट्रायंगल में, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड क्या होते हैं? इक्वल। तो ये भी मेरे पास एक्स आ जाएगा, ये भी मेरे पास एक्स होगा। अब एक्स प्लस एक्स प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 50, एक्स इज इक्वल टू 25। बात समझ आई? कोई डाउट तो नहीं? ऐसे कोई भी क्वेश्चन, कोई बार बार चीजें यूज हो रही हैं, कोई नई बात यहाँ यूज नहीं हो रही है जो हम कहें कि हमें टेंशन वाली बात हो। हाँ जी, पहले उसके बाद ये ट्रायंगल ओ ए बी, ये रेडियस है बेटा, ये रेडियस है, ठीक है जी। रेडियस के ऑपोजिट ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे ना, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गए। तो फिर ये ओ ए बी में एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स प्लस 130 इज इक्वल टू 180, वहां से मैंने एक्स निकाल लिया। समझ आ गई बेटा? चलिए नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है नाइन्थ क्वेश्चन, मैं एग्जाम्पलर का सिंगल क्वेश्चन भी छुड़वा नहीं रही हूँ, क्योंकि आप इतने साल के पेपर देख लो, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तुम्हें लगता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पलर बुक में से ही किसी ना किसी फॉर्म में मोल्ड किया हुआ है और कुछ नहीं। तो एक बार एग्जाम्पलर एंड अच्छी तरह कर लो, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप नहीं कर पाओ, ठीक है? चलिए, तो ज्योमेट्री है इसीलिए मुझे सारे करवाने पड़ेंगे। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू टेंजेंट्स, नाइन्थ क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, नाइन्थ क्वेश्चन इज देयर, टू टेंजेंट्स, हाँ जी प्लीज बेटा, टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मेरे पास जो है दो टेंजेंट्स है 60 डिग्री पे इंक्लाइंड कर रहे हैं, टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट जो है विल बी, ये 3 सेंटीमीटर दे दी, मुझे लेंथ निकालनी है। मेरे को पता है बिल्कुल दोनों की लेंथ सेम ही होगी ना। अब आप फटाफट जैसे ही एंगल दिया होता है ना, आपके माइंड में आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। क्यों? क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट 90, ये राइट एंगल बनती है। बट यहाँ आप क्या करते हो, एंगल 60 ले लेते हो। कितना लेना है एंगल? 30 क्यों लेना है? क्योंकि ये लाइन ज्वाइन करती है तो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। वो बच्चे फटाफट लो जी 10 60, काम खत्म करो जी, ये गलती हो जाती है। ओके, पहले 30 लोगे, ये भी 30, ठीक है? फिर एक जो बेस और परपेंडिकुलर लेने में गलती करती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल और 90 बेस, ये तो पता ही है परपेंडिकुलर। अब मेरे को परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो पी बाय बी टेन 30 डिग्री। ओके बेटा, और परपेंडिकुलर 3 है, बेस मुझे निकालना है, और 1/√3, तो बी इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर, दैट मींस दोनों की लेंथ इतनी। अगर वहां वैल्यू दी है कि √3 इज 1.732, तो निकाल दो ऊपर। नहीं भी दी, आप फिर भी वैल्यू पुट करके करेक्ट, क्योंकि लेंथ वगैरह वैसे अंडर रूट में छोड़नी नहीं चाहिए। पुट कर दोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं पुट करोगे उससे भी बढ़िया, ठीक है जी? क्लियर? चलो अच्छा, फिर आप क्या करते हो, एक ही टेंजेंट की लेंथ निकाल के छोड़ देते हो। आपने लिखना है कि बोथ आर इन इक्वल, बोथ हैव इक्वल लेंथ, रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इन इक्वल इन लेंथ। तो आप फिर लिखोगे जो भी लेबल करोगे, पी ए बी, तो आप लिखोगे पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स प्रॉब्लम क्रिएट करती है। समझ आ गई बेटा? क्लियर टू एवरीवन? चलिए बेटा, नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10th बेटा, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10th। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10th। अब मेरे पास क्या है, इन द फिगर 9.8, इफ पी क्यू आर इज अ टेंजेंट टू ए सर्कल एट क्यू, मेरे पास तो है पी क्यू
और आर मेरे पास हो गए, इज अ टेंजेंट टू ए सर्कल एट क्यू मेरे पास हो गए, उन्होंने कहा क्यू है, हूज सेंटर इज ओ, अगर मेरे पास जो है सेंटर ओ है, पी ए बी मेरे पास जो है ए बी इज अ कॉर्ड पैरेलल टू पी क्यू, ये इसके बिल्कुल पैरेलल है, और उसने कहा एंगल बी क्यू आर, बी क्यू आर ये लीजिए, ये एंगल मुझे बोला हुआ है कि 70 डिग्री है। अब देखना उन्होंने क्या कहा है, फाइंड एंगल ए क्यू जो है बी, ए क्यू बी यानी आई नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल। चलिए जी अब सोचिए, लेट अस थिंक ओवर दिस क्वेश्चन, ये सेंटर है, हाँ जी एक एक करके ऐसे थोड़ा डिस्कशन, हाँ जी चलो विवान बता दे मुझे, ये लीजिए ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये वाली ले लें, ये ले लो जी, और ये इसको रब कर देते हैं, लेट अस कंसीडर दिस ट्रांसवर्सल, ये भी 70 हो गया, और ये पूरा निकलेगा बेटा, यस ऑल्टरनेट सेगमेंट से इतना तो क्लियर नजर आ रहा है, ये टेंजेंट, ये कॉर्ड, ये 70 है, तो ये भी क्या आ गया 70, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, इतना तो क्लियर ना मैम, आप लीनियर, मैं लीनियर पेयर से विमान की बात समझती हूँ, अगर मैं लीनियर पेयर से ये निकाल लेती, ये पूरा आता बेटा, तो पूरा आता ना, तो मुझे ये दिया ना, मुझे ये दिया, ये निकालने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ना था, ऑल्टरनेट सेगमेंट यूज करना ही पड़ना था ना, तो फिर तभी वो माइनस होता है ना, तो तभी मैं करते, फिर कहीं ना कहीं तो ऑल्टरनेट सेगमेंट, मतलब मैंने आपको पहले ही कहा देयर माइट बी सम क्वेश्चंस वो बिना ऑल्टरनेट सेगमेंट के नहीं होते हैं, तो हमें करने ही पड़ते हैं, समझ आ गई बेटा, किस बेटा वो परपेंडिकुलर तो तभी होता है ना, रेडियस ज्वाइन ही नहीं किया मैंने, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो हजार बार एक क्या हर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं सर्कल के, पर यहाँ हमें कोई रेडियस की बात की, कोई लाइन है जो रेडियस को ज्वाइन करता है, तो हम क्यों लगाए, समझ आई बेटा बात सबको, कोई किसी को डाउट तो नहीं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द एग्जाम्पलर बुक, ओके, तो अब हम करते हैं क्या इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस सी, आप नॉर्मली जो भी बुक लेते हो ना उसमें एग्जाम्पल्स होते ही नहीं है, तो और पेपर में एग्जाम्पलर बुक के एग्जाम्पल्स ही ज्यादा आते हैं, तो इसीलिए उसको ध्यान से किया करो, अगर हम देखें मेरे पास पेज जो है 104 का क्वेश्चन है, इन द फिगर बी ओ ए इज अ डायामीटर जो है, मेरे पास बी ओ ए का जो है डायामीटर जो है ऑफ ए सर्कल एंड टेंजेंट एट ए पॉइंट पी, मेरे पास हो गए टेंजेंट एट ए पॉइंट पी मीट्स बी ए एक्सटेंडेड एट टी, वो कहता है कि टेंजेंट जो है ना पी पे वो बी ओ ए को मीट करें, तो मेरे पास जो है वो टी पॉइंट पे मीट करता है, तो इफ मेरे पास हो गए पी बी ओ एंगल, that means PBO that is 30 degree angle है, तो then find जो है, और ये join भी किया हुआ उन्होंने shaded dotted, उन्होंने कहा find angle PTA, PTA I need to calculate this, क्या करें, how to do this question, हाँ मेरे को करना ही पड़ना था एंगल सम प्रॉप, हाँ जी चलो पी, हाँ वो तो 90 बेटा, यहां तक 30 कहां से ले लूं, उसको 30 कैसे ले लूं, अब फिर बताऊं, बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं, अगर मैं देखूं मेरे पास हो गए एक कॉर्ड में देखूं कि जो सेंटर पे भी एंगल बनाए और जो यहां पर भी एंगल बना रही है,
अगर मैं इस कॉर्ड को ऐसे ज्वाइन कर दू पी ए को, है ना, ये कॉर्ड सेंटर पे भी एंगल बना रही, यही कॉर्ड यहां पर भी एंगल बना रही है, डिग्री मेयर थ्योरम लगा सकती हूँ। तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना हो गया 60। अब लगा लो एंगल सम प्रॉपर्टी, कोई था मुश्किल? मैंने बेटा वो तो 90 हुआ ही हुआ, मैंने पीए को कॉर्ड एक इमेजिन करनी, इमेजिन मैंने पता कैसे सोचा, मैंने ये सोचा ये एंगल किस कॉर्ड से बन रहा है, पीए एंगल से, और मैंने देखा पीए ही सेंटर पे बना रही है, तो मैंने इस कॉर्ड को इमेजिन कर लिया, ड्रॉ कर लिया, ज्वाइन कर लिया। मैं नहीं भी ज्वाइन करती तो मुझे नजर आ ही रहा है कि ये पीए से बना है और ये भी पीए से बना है, क्योंकि ये स्ट्रेट है, अगर स्ट्रेट ना होती तो मुझे प्रॉब्लम लग सकती थी। ठीक है जी, एक मिनट बेटा बात सुनती हूँ। तो डिग्री मेजर लगा के मुझे पता है एंगल एट द सेंटर जो है वो बेसिकली डबल द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, तो मेरे पास ये 30 था, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 60 ये 90 एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आ जाएगा 30। एनी अदर मेथड दैट कम्स इन योर माइंड? हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया? यस राइना वॉन्ट्स टू टेल मी एनीथिंग? यस राइना जी, हाँ जी बेटा बोलिए। नो वॉइस इज कमिंग राइना। मैम, हाँ जी बेटा, अल्टरनेट सेगमेंट से नहीं निकाल सकते बेटा? अल्टरनेट सेगमेंट यहाँ मेरे पास हो गए टेंजेंट, ये है ये कॉर्ड है, ये एंगल की तो कोई बात ही नहीं हो रही। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ, ये एंगल इतना 30, अगर आप कह रहे हो ये 30 ये 30 ये 60, तो फिर क्या करेंगे? ये 60 निकला ना, हमने तो अल्टीमेटली ये निकालना था, उसके लिए ये निकाला, अल्टरनेट सेगमेंट की कोई यहाँ यूज ही नहीं हो सकता बेटा। ठीक है बेटा, ओके, चलिए बेटा लेट अस डू द नेक्स्ट। ओके, सबको बात समझ आ रही है ना बेटा, हम कैसे कैसे, देखो हर क्वेश्चन पे अलग मेथड है सोचने का, हमने उसके अकॉर्डिंगली उसको थिंक सोचना बेटा। ये पूरा ही है 90 यहां तक, ये रेडियस और ये टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस में ही 90 होता है, पूरा ही लिया मैंने, छोटा तो लिया ही ना, ठीक है क्या नहीं? चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और मैं बार बार कह रही हूं एग्जाम्पलर बुक के जितने एग्जाम्पल्स है ना उसमें ही कुछ ना कुछ टेक्निक होती है, आप क्वेश्चन देखोगे तो कंपेरेटिव एग्जाम्पल से ज्यादा ईजी होती है। ओके, तो वो जरूर करा करो। ठीक है, लेट अस डू द नेक्स्ट नाउ एग्जाम्पल। हाँ जी, नाउ इन द फिगर, प्लीज सी द फिगर केयरफुली। इन द फिगर जो है पी क्यू एल, मेरे पास जो है पी क्यू एल, ये एल, दिस इज क्यू, दिस इज पी, एंड पी आर एम, दीज आर द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर, मेरे पास जो है ओ एट द पॉइंट क्यू एंड आर, टेंजेंट्स यहां मीट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, एंड एस इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट, मेरे पास एस एक पॉइंट है और एस जो है क्यू और एल, ये वाला एंगल दैट इज 50 degree, एंड एस आर एम, एंड दिस एंगल इज जो है 60 degree, फाइंड द एंगल, मुझे कहा है क्यू क्यू एस आर, आई नीड टू फाइंड दिस, और उन्होंने ये ज्वाइन भी की। चलिए जी, मुझे ये फाइंड आउट करना सिंपल थी, सोच लो पहले, सारे सोच लो। बिल्कुल जी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने कहा जस्ट टेक योर टाइम एंड थिंक ओवर इट कि पूरा क्वेश्चन कैसे होगा। हो गया, पूछ लो और किसी का। रेडियस
एंड टेंजेंट 90, ये क्वेश्चन ये कितना आ गया 40, ये 60 है, ये कितना आ गया। अब आगे क्या करें, कौन सा ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हो, कौन सी फिगर बन रही है। जरूरत भी नहीं है, मैं बताऊं अब बेटा, क्यू आर से कंस्ट्रक्शन करके मुझे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैं बताऊं, ये रेडियस, ये रेडियस, एम आई राइट, इफ दिस इज 40, दिस इज 40, ये रेडियस, ये रेडियस, आई फाइंड दिस 30, दिस इज 30, कंप्लीट एंगल इज 70। फिगर को देखते नहीं हो तुम, ऑब्जर्व नहीं करते हो डीपली, बस मैडम ये ज्वाइन कर दे, मैडम ऐसा कर दे, क्या फायदा अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, मुझे तो ये एंगल कुछ दिया ही नहीं। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ना ये एंगल पता ना ये पता, सिर्फ ये तो निकालना ही है, तो पता गया फिर कुछ भी नहीं, क्यों ज्वाइन करें फिर। जब भी फिगर टेढ़ी मेढ़ी होना, एक थोड़ा सा याद रखो, वहां कहीं ना कहीं दो रेडियस बन रहे होंगे, तो वो इक्विलेटर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, आइसोसेलेस या इक्विलेटर दोनों ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के वो अपने आप हमारे से क्वेश्चन हो जाए। बात समझ आई बेटा, ओके ठीक है जी। अदर क्वेश्चन वी विल डू टुमारो, आज कोई बाहर नहीं जाए।